प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। ई कॉलर। मैं मैडम, मैं यूपी बोर्ड नहीं, मैं मैडम अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशन में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। तुम वेट्स 4 आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं हूँ, MBBS ही हूँ मैं। तो मैं एक हूँ जो गलती से इसमें आया, तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या मालिक। मेनका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेनका गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेनका गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो सांसद महोदया ने वहाँ पे फ़ोन करके उस डॉक्टर को, हमारे पशु चिकित्सक को फ़ोन करके उससे उसकी डिग्री के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके में उसको गालियाँ दी रात में, और उससे 70,000 रुपये कहा कि आप जमा करिए, उसको वापस करिए, न तो कमिश्नर से आपका मैं क्लिनिक बंद करा दूँगी। तो उन्होंने एक कॉलेज को चैलेंज किया है कि जबलपुर वेटनरी कॉलेज से जो पढ़ के आता है उसकी डिग्री बिल्कुल बेकार है, 3rd क्लास डिग्री है, लेकिन रात में गालियाँ देना, माँ बहन की गालियाँ देना, उसको कुत्ते कमीने कहना, ये बहुत ही नाजायज है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सुना आपे किस तरह इन लोगों का गुस्सा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ फूट पड़ा है। नाराजगी जाहिर करने वाले भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि पशुओं के डॉक्टर हैं। इन डॉक्टर्स की मांग है कि सांसद मेनका गांधी सबसे पहले माफी मांगे और फिर अपने पद से इस्तीफा दें। दरअसल इन डॉक्टर्स का आरोप है कि मेनका गांधी ने आगरा के पशु चिकित्सक को कॉल किया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिससे इनका गुस्सा फूट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। वैसे तो ये मामला आगरा से जुड़ा है, लेकिन अब इसकी आंच पूरे देश में फैलने लगी है। आगरा में पशु चिकित्सक के साथ हुई बदसलूकी के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। देश के किन किन हिस्सों में मेनका गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। सारा का सारा इन्फेक्शन था। नहीं मैम, जो तुमने काटा था, वी हैव नेवर सीन अ वर्स्ट सर्जरी इन द होल ऑफ इंडिया। नहीं मैम, इसमें ये डॉग हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं है, हाइपर एक्टिव है, इसकी हिस्ट्री टूटे हुए हैं। इसकी हाइपर एक्टिव हो या ना हो, हाँ। आपने जो स्टिचेस लगाए एक नहीं 2 दफा निकले, पहली दफा भी आपने पैसे निकले लिए, 10 दूसरी दफा भी आपने 4,000 रुपए। नहीं, उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन आउट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं, उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। नहीं तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ, दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया। नहीं मैम, तक वो कुत्ता उसमें... डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या करना है। यू विल पे ऑल द फीस फॉर दिस डॉग, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? मैम मैं देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम। आपने 2 दफा उस कुत्ते पर ऑपरेशन किया, दोनों दफा उसके इंटेस्टाइन्स निकले। नहीं मैम, इसमें जो सूचर्स हैं, सूचर्स ब्रेक हुए हैं, इंफेक्शन की वजह से हुए हैं। सूचर्स घटिया चीप किस्म के सूचर्स तुमने इस्तेमाल किए। मैंने मैम उसमें सबको चीटिंग करते हो। नहीं बिक्रल उसमें यूज किए हैं मैम, उसमें बिक्रल है। यू विल, जो 2 दफा आपने किया, 2 दफा वो सूचर्स खुले। मैम हाइपर एक्टिव डॉग है। डॉक्टर नेहरू ने भी रिपोर्ट किया है कि तुमने 2 लेयर पर नहीं, द स्टिचेस वर नॉट ऑन 3 लेयर्स, यू ओनली डिड द स्टिचेस ऑन 2 लेयर्स अबाउट। नहीं मैम, मैंने 3 लेयर्स पे जो फर्स्ट है 3 लेयर्स पे किया था। रिटर्न कमेंट मैक्स वेट्स ने भी लिखा है कि जिसने ओरिजिनल लिखा करा है उस आदमी को वेटनरी प्रोफेशन से निकालना चाहिए। मैम उसमें मैंने क्लियरली किया है। गुप्ता, जो गलती होती है सो गलती होती। नहीं मैं मैम, आपने अब अगर नई गलती मानोगे, आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट 1 मंथ। डू यू अंडरस्टैंड? यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ क्लिनिक और एनीथिंग। द डॉग हैज कॉस्ट 70,000 रुपीज सो फार।
you will pay that 70,000 rupees to Max Vet. Do you understand? Ma'am, इसमें जो आप हाँ या ना बोल रहे हैं जल्दी बोलिए. नहीं नहीं मैम देखिए जब आप मेरी नहीं, बात नहीं मतलब? सुनना चाहेंगे आप मेरी बात नहीं सुनना. मैंने आपकी बात सुन ली है. आपने ऑपरेशन किया, मैंने सारे के सारे तस्वीरें देखी है. नहीं ठीक है आपने देखा है. मैंने यहाँ तक कि डॉक्टर मिलिंद हेतिगर का मैंने एक फेसबुक पे भी डाला हुआ है. उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जनरली क्या है कि ये डॉग लिकिंग की हैबिट होती है और जब लिकिंग करता है उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो सूचर ओपन हो जाते हैं. मैम जनरली तुमने सूचर्स खुलवाए हैं तुम्हारी चीप और डर्टी सर्जरी के साथ. ये सारे सूचर्स खुले एक नहीं दो दफा. नहीं और आपने उसके ऊपर से 4,000 मांगा अगली दफा के लिए भी. इतने घटिया डॉक्टर हो कि नहीं, नहीं, तुम्हारी और फिर अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे. नहीं मैम उसके बाद मैंने जो मैंने उन्हें नहीं नहीं सारे हमारे पास सबूत है बखे जा रहे हो. नहीं नहीं मेरी बात कोई शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई. कोई अब आप बताइए आगे क्या करना. अब देखिए मैम आप जनरली कहेंगे अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है. मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था. इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे. मैंने सब कुछ दिया हुआ. एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता है एलिजाबेथन कॉलर होता है. आपको तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता. ई कॉलर मैं मैडम मैं यूपी बोर्ड नहीं मैं मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ. कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया. नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम. तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ. मैं सीबीएसई बोर्ड का मैं यूपी बोर्ड का हूँ. इंग्लिश पर जी जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई. नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया. नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ. ई कॉलर है कह रही हूँ. तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला. सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा और दोनों दफा तुमने पैसे लिए. मैंने दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे. नहीं मैडम मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे. मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा. ई कॉलर दिया था मैंने. इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था मैंने. अगली दफा भी तुमने पैसे मांगे. पहली दफा भी तुमने 2,000 रुपए लिया. अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए लिए और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को. नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन. मैडम सुन लो मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ. मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन ले रही हूँ. मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ. तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे. अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं. मैं बात करूँगा. किससे बात करोगे. मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में. मैडम मुझे मौका हाँ तो या ना. तुम वेट चार आने के दो टके के लोग ऑपरेशन करना नहीं आता. चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज. पैसे लेते हो हजारों में. मैडम ऐसा और उसके ऊपर से एक नहीं दो दफा उस बेचारे के ऊपर अभी उसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं. अब ये बताइए मैडम 5 ऑपरेशन आप बता रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि जो जो जिस तरीके से इंटेस्टाइन्स आ गए थे वो सारे इंटेस्टाइन्स अब बेहद इन्फ्लेम्ड है. इन्फेक्शन लग गया क्योंकि इतनी दो दफा वो निकल चुके थे. दोनों दफा तुम्हारी वजह से डॉक्टर अपने आप को कहते हो मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की. मैडम पता नहीं और कितने जानवरों को तुमने बर्बाद किए. कभी, आज के बाद मैं कलेक्टर से अभी बात करने वाली हूँ तुम्हारी क्लिनिक को बंद करवाने के लिए. समझे. आई विल नॉट लेट यू प्रैक्टिस इन आगरा क्या इन हिंदुस्तान. और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ. तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चक्कू है ही नहीं. अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंड टू देम. स्टूडेंट है वो लड़का. मैं जानता तुमने हूं। उनको लूट लूट करके तबाह किया. यू विल सेंड देम द मनी बाय चेक राइट नाउ. डू यू अंडरस्टैंड. Do you understand that? जितना लोगों को लूट करके कमाया है वो तुम इनको भरोगे. मैडम मैडम ऐसा नहीं है. मुझे भी सबसे साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गया. ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. और कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस लगाने वाले हैं. वो FIR फाइल करने वाले. तुम जेल तो जाओगे ही. और कंज्यूमर कोर्ट में 5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं. अब या तो वो इसको 70,000 देकर के खत्म करो या तो 5 लाख तुम्हारी सिर पर आने वाला है.
और क्योंकि मैं इनके पीछे हूँ मैं तो रुकूंगी नहीं जब तक नहीं, मैडम मैंने मैंने ऐसा कुछ अब मैं आपको जनरली क्या आप मैडम सुनना नहीं चाहते तुमने मैंने सुन लिया है मैंने सुन लिया है मैंने सुन लिया मैंने तस्वीरें देखे हैं मैंने सब कुछ देखा अगर तुम एक दफा बोल दे कि मेरे पास मेरे से गलती हो गई तो मैं शायद माफ भी करती लेकिन तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई कॉलर लगा दिया मैंने ई कॉलर ई कॉलर से क्या मतलब है भाई उसके इंटरसाइज निकले हैं उसका जबान नहीं निकल रहा है हाइपर एक्टिव है हाइपर अगर वो हाइपर एक्टिव भी है तब भी उसके स्टिचेस नहीं निकलते दुनिया भर के रॉटवाइलर्स के हम लोग करते हैं और रोज के रोज डॉक्टर नेहरू ने भी कहा कि इससे गंदा ऑपरेशन उन्होंने कभी देखा नहीं मैक्स वैक्स ने कहा कि पता नहीं जिंदा कैसे है कुत्ता अब तुम वो 70,000 रुपए भरने वाले हो मैक्स में या नहीं मैं बात करता हूँ किससे बात करोगे मैं नहीं किससे बात करोगे क्या बकवास करी जा रहे हो मैं बात करता हूँ अभी मैं कॉल करता हूँ मैं अभी बात करता हूँ किससे बात करोगे किससे बात करोगे मैं डॉक्टर नेहरू से बात कर रहा हूँ उन्होंने भी ऑपरेट किया था तुम डॉक्टर नेहरू को छोड़ो मैं पूछ रही हूँ तुमको आखिरी दफा पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मैं कलेक्टर से बात करने वाली हूँ तुम जरा मुझे बताओ मेरे पास तुम्हारा पता है हेरिटेज टावर नियर अंजना सिनेमा नेहरू नगर तो तुम यार मुझे बताओ हाँ या ना अगर तुम हाँ भरने वाले हो तो मैं छोड़ देती हूँ अगर नहीं भरने वाले हो तो मैं अभी कलेक्टर से बात करके तुम्हारे ऊपर आफत लाती हूँ मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट लोग मैडम मैं भी ऐसा नहीं एमबीबीएस की हूँ मैं तो मैं हूँ जो गलती से इसमें आए तो बाप जरूर होगा किसी का ड्राइवर या मालिक तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड कभी सीखते कुछ हो नहीं मैडम तो सीखना आता है मैडम फर्स्ट जनरेशन इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं इसका मतलब और तुमने तुमको आता भी कुछ है नहीं तुमको आता भी कुछ नहीं ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है ना तुम किसी से सीखे हुए हो ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है अब तुम बोलो तुमने वो पैसा उनको वापस देना है कि नहीं देना है मैडम एक दफा और तुम हिचकिचाइए मैं मैडम मैं ओनर से ही बात करता हूँ मैं ओनर से बात करता हूँ ओनर से बात करता हूँ मैं ओनर से क्या बात करोगे ओनर से बात कर लेना नहीं, मैं बात ओनर से मैं 5 मिनट में तुमको कलेक्टर का भी फोन आएगा और पुलिस आ रही है ठीक है तब तक जब तक तुमने पैसे नहीं भरे हैं और तुमने पब्लिकली माफी नहीं मांगी है तब तक तुम्हारा क्लिनिक नहीं चलेगा ठीक है तुम्हें मंजूर है कि नहीं है मैडम मुझे हाँ भी तो मौका मैडम देखिए मुझे भी तो मौका दी कम से कम मैं बात तो कर लूँ मैंने मौका दे दिया तुमको तुमने कुछ नहीं बोला तुमने कहा मैंने एलिजाबेथन कॉलर डाला और कुत्ता हाइपर एक्टिव है और कुछ नहीं बोला नहीं मैडम ये बताइए जब मैं आपने कहा विक्रल विक्रल मैन उसमें ऐसा तो है नहीं है कि मैं ऑपरेट इतना करता हूँ मैं ठीक है ना और सूचर्स है इन्फेक्शन की वजह से या मान लीजिए लीकिंग की वजह से उसमें अगर टूट जाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि उसमें मेरी गलती हो गई मैं ओनर से एक बार बात कर लेता हूँ हेलो हेलो बोलो हाँ मैं अभी बात करता हूँ किस चीज में एमबीएससी हो जरा मुझे बताओ मैं पब्लिक हेल्थ में हूँ बेडनी पब्लिक पब्लिक हेल्थ में हो सर्जरी के तो हो भी नहीं इसका मतलब तुम ये नहीं 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 मैडम मैडम जो वेटरनरी ग्रेजुएट होता है कोई भी सर्जरी कर सकता है सवाल ही नहीं उठता है नहीं मैडम मैं अभी तुम्हारे ऊपर इतने तगड़े केस लगाने वाली हूँ तो तुमको तुम्हारे बाप को भी पता चलेगा समझे पब्लिक हेल्थ में एमबीएससी कहीं का नहीं तो मैडम सबसे घटिया होता है वो पब्लिक हेल्थ में ही जाता है जिसके पास और कोई काम नहीं और हर चीज में फेल है अब तुम पैसे उनको वापस दे दो अभी उनसे बात करके पैसे वापस दो एकदम और चेक भेज दो नहीं तो मैंने उनको तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ तुम जरा देखते जाओ मैंने तुमको छोड़ना तो है नहीं एलन गुप्ता एक तो तुम पब्लिक हेल्थ के हो तुम सर्जरी में हो नहीं और आज के बाद अगर तुमने किसी के ऊपर सर्जरी की तो तुम देख लेना
तो मैडम जो ग्रेजुएट करते हैं सर्जरी तो उनपे भी तुम नहीं कर सकते हो जब तक तुम ये झूठ बोलते रहोगे MBSC। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ मैम, जो ग्रेजुएट है नहीं कर सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते हो, आज के बाद तुम्हारे लिए सर्जरी भी बंद, क्या क्लिनिक भी मैं बंद करती हूँ, अभी कलेक्टर से बात करती हूँ मैं, तुमने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, कितने जानवरों को ठगा है अभी तक। मैडम आप गलत कह रही हैं, तुम उनको 70,000 रुपए वापस दो। मैं मैडम इसके लिए बात करता हूँ इसी में। 70,000 रुपए तुम अभी वापस दोगे और अगर मंजूर नहीं है, उनको नहीं मिला चेक उनके बैंक अकाउंट में आज के दिन, तो तुम जरा देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं तुमसे बात बात करके मैं फेड अप हो गई कहीं का कुत्ता। मैडम ये गलत बात कह रहे हैं। डॉक्टर्स का दावा है कि एक तरफ आगरा के पशु चिकित्सक डॉक्टर एलएन गुप्ता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर के सांसद और पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष मेनका गांधी हैं। डॉक्टर एलएन गुप्ता का आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान मेनका गांधी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, साथ ही उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। हालांकि न्यूज टाइम नेशन इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पशु चिकित्सकों ने सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लखनऊ के सदर इलाके में मौजूद घोड़ा अस्पताल में शहर भर के पशु चिकित्सक इकट्ठा हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी ने मेनका गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 23 जून को देश भर के पशु चिकित्सकों ने ब्लैक डे मनाया, जिसके तहत सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध रखी थी। देखिए आरोप सिर्फ केवल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, पूरे देश भर से पूरी आग उठ रही है। दरअसल हुआ ये है कि कल मेनका गांधी जी के द्वारा आगरा के एक पशु चिकित्सक को फ़ोन किया गया और उस पर बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ करके और काफ़ी लंबी डिग्री लेकर के हम लोग पशु चिकित्सक बनते हैं और बहुत मेहनत से अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बावजूद अगर किसी सांसद के द्वारा इस तरह से उनके खिलाफ और उनको डराया धमकाया जाएगा किसी पशु चिकित्सक को, ऐसे में हम लोग ऐसे माहौल में हम लोगों को काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर और ऑल ओवर इंडिया में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने। आपको बता दें कि मेनका गांधी सिर्फ सुल्तानपुर की बीजेपी सांसद ही नहीं बल्कि पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल संस्था की अध्यक्ष भी है। ये संस्था पशुओं के लिए काम करती है। इस संस्था में हजारों लोग जुड़े हैं जिसमें देश के नामचीन हस्तियों के नाम भी शुमार है। लेकिन इन डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें लेकर मेनका गांधी का रवैया ज्यादा ठीक नहीं है। मेनका गांधी छोटी छोटी गलतियों पर सीधे डॉक्टर्स को कॉल करती हैं और भद्दी भद्दी गालियां देती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आगरा में जो कुछ डॉक्टर एलएन गुप्ता के साथ हुआ वो कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो कई डॉक्टर्स के साथ ऐसा कर चुकी है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के पशु चिकित्सालय में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शन का आह्वान किया गया, कई पशु चिकित्सक यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी नाराजगी जो है किसी आम इंसान से नहीं बल्कि सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी और पेटा की अध्यक्ष मेनका गांधी के साथ है। हालांकि क्या मामला है ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी नाराजगी है और किस वजह से उन्होंने इस प्रदर्शन का आह्वान किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब क्या मसला था जो आपने इस प्रदर्शन का आह्वान किया? मसला एक हमारे पशु चिकित्सक हैं आगरा के डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने एक डॉग की सर्जरी की थी और सर्जरी के बाद उसके टांके टूट गए थे। तो टांके टूटने के बाद वो माननीय सांसद महोदया के संपर्क में गया और उसने जो भी बताया हो, तो सांसद महोदया ने वहाँ पे फ़ोन करके उस डॉक्टर को, हमारे पशु चिकित्सक को फ़ोन करके उससे उसकी डिग्री के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके में उसको गालियाँ दी रात में और उससे 70,000 रुपये कहा कि आप जमा करिए, उसको वापस करिए, न तक कमिश्नर से आपका मैं क्लिनिक बंद करा दूँगी। और इस तरह के कार्य वो कई बार कर चुकी हैं, कई पशु चिकित्सकों के साथ कर चुकी हैं। उन्होंने मेरी डिग्री को चैलेंज किया, BBSC एंड AS डिग्री, मेरी प्राइमरी डिग्री BBSC एंड AS है, उसके बाद लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। हम लोग BBSC के साथ पूरे प्रदेश में सर्जरी करते हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि BBSC और AS वाला डिग्री वाला सर्जरी कर ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने एक कॉलेज को चैलेंज किया है कि जबलपुर वेटनरी कॉलेज से जो पढ़ के आता है उसकी डिग्री बिल्कुल बेकार है, थर्ड क्लास डिग्री है। और इवन उसके डॉक्टर साहब के पिताजी के परिवार के बारे में पूछा कि आप किस परिवार से आते हो, आप कहाँ, अगर हम किसान के परिवार के हैं तो क्या हमारी गलती है? हम लोग पढ़ के आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, सरकारी कॉलेज से डिग्री लिए हैं, सरकार ने मुझे रखा है। इसी के संदर्भ में हमारा विरोध प्रदर्शन था और ऑल ओवर इंडिया विरोध प्रदर्शन है, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और UP के आह्वान पर हम लोग काला फीता बांध के
एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। बात थी जैसे कि वो सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद हैं प्लस पेटा की अध्यक्ष भी हैं जो कि रसूख है, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब कुछ ही लोग हैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद, हालांकि पूरे देश में धरना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको ये चुनौती दे पाएंगे, उनकी बातों को उनको मनवा पाएंगे कि आपने जो किया वो गलत किया? हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन वेटनरी एसोसिएशन है और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओम बिरला जी को और नरेंद्र मोदी साहब को, माननीय प्रधानमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है और ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक जो है इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। ये कहीं से आश्वासन नहीं मिलता, एक प्रॉपर उस पर जाँच कराई जाए और जो गलत है कानूनी तरीके से मैडम जो भी करना चाहे वो करती है, पुलिस से FIR कराती, कोर्ट केस कराती, एक पैनल जज कर देती है कि डॉक्टर साहब की गलती है तो उनको सजा हो जाती, लेकिन रात में गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना, उसको कुत्ते कमीने कहना, ये बहुत ही नाजायज है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जो है फौरी तौर पे आप क्या एक्शन चाहते हैं जिससे ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ कार्रवाई हो रही है, फौरी तौर पे आप कौन सा एक्शन चाहते हैं शासन की तरफ से? हम फौरी तरफ से चाहते हैं कि अगर हम पहले तो डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगी जाए सबसे पहले, उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी से जांच कराई जाए, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, और डिग्री को चैलेंज करना, डिग्री हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो हमारी मांग है कि हमें सम्मान से नौकरी करने दिया जाए, सम्मानपूर्वक नौकरी करने दिया, अन्यथा जो भी हमारा UPVA और VCI डिसीजन लेगा कितने दिन आंदोलन चलना है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये थे लखनऊ के पशु चिकित्सक जिनमें काफ़ी नाराज़गी है सांसद मेनका गांधी को लेकर। इनका साफ कहना है कि अगर सांसद मेनका गांधी माफ़ी नहीं मांगती हैं तो ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफुल्ला, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।